तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिडक्स टूलकिट क्वेरी के बारे में और देखेंगे कैसे हम लोग बहुत इजीली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरटीके क्वेरी के बारे में, यानी कि रिडक्स टूलकिट क्वेरी के बारे में। आपने रिडक्स टूलकिट का नाम सुना ही होगा, मैंने इस पर 5-6 वीडियो बनाया, मतलब सीरीज ही बना दिया और उसके जो भी फीचर्स थे उसमें मैंने बना दिया। तो रिडक्स टूलकिट में एक नया मेंबर आया, समझ लो उस फैमिली में एक नया मेंबर आया रिडक्स टूलकिट क्वेरी करके, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि रिडक्स टूलकिट क्वेरी आखिर है क्या, उसको यूज़ क्यों करना चाहिए, उसको यूज़ करने क्या क्या बेनिफिट्स, मतलब क्या क्या फायदा आपको हो सकता है और किस लिए यूज़ किया, मतलब किस लिए उसको यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब किस केस में यूज़ कर किया जाना चाहिए और उसको कैसे यूज़ करना है इम्प्लीमेंट, तो सब कुछ बहुत डिटेल और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको लगेगा कि नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आप सीख रहे हो, क्योंकि अगर आप कोडिंग देखोगे उसके डॉक्यूमेंटेशन पे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है। तो सिंपली अगर गूगल पर सर्च करते हो कि यहां पर कि व्हाट इज आरटीके क्वेरी, यानी कि रिडक्स टूलकिट क्वेरी क्या है, तो आपको मिल जाएगा यहां पर बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन, मतलब जो भी है यहां पर आंसर मिल जाता है कि गुड है, ये है, वो है, जो भी है। आप सिंपली पहला लिंक पर क्लिक करो और हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपली समझाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहां पर पूरा पढ़ के आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपली बताता हूं, बाकी आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो और कुछ कुछ चीजें मैं बता दूंगा साथ साथ में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं आरटीके क्वेरी यानी रिडक्स टूलकिट क्वेरी क्या है, ठीक है। तो इसको तो सिंपली आप यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ, काले और मोटे अक्षर में लिखा हुआ है। एक लाइन पढ़ो, एक लंबी लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये बस एक अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या सीन है, बाकी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आरटीके क्वेरी इज अ पावरफुल डेटा फेचिंग एंड कैचिंग टूल, ठीक है। बस इतना सा आप समझ गए तो आपको पूरा रिडक्स टूलकिट क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको ये नहीं देखना, मतलब नहीं चाहिए यार ये सब सुनना नहीं है, सीधा कोडिंग भी बता दो तो आप नीचे टाइम पे मैं डाल दूंगा देख के वीडियो, तो आप उस पर देख लेना, वहाँ शुरू करना कि कैसे उसको सेटअप करते हैं। ऐसे बहुत लोग होता है यार, तो मैं ऐसा नहीं, मैं वही बोला ना, मैं थ्योरी थोड़ी यहाँ पढ़ के आपको बताने वाला हूँ, जो लिखा हुआ उसको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कि यार पका रहा है। तो रिडक्स टूलकिट क्वेरी क्या है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ यार कि ये पावरफुल, यानी ऐसे कि मतलब मजबूती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये बहुत सारे इसमें फीचर्स है, पावरफुल का ही मतलब हो कि बहुत सारे इसमें फीचर्स है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है देखा जाए तो। यहाँ पर दो वर्ड आता है, एक था डेटा फेचिंग और एक था कैचिंग टूल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये देखो बहुत सारे फीचर्स है, तो इन सभी पे मैं वीडियोस बनाऊंगा और काफी कमाल का और काफी इंटरेस्टिंग फीचर, ये सब मैंने आज से पहले यूज नहीं किया, तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, इस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा सारे पे। तो आज के वीडियो ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए कि भाई एक टेस्ट होता है ना, कहीं जाते हैं टेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ा देखते हैं क्या है, तो उस तरीके से ये टेस्ट आप आज कर लो कि भाई ये चीज है रिडक्स टूलकिट क्वेरी, बहुत इजीली समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिडक्स टूलकिट क्वेरी इज अ पावरफुल डेटा फेचिंग एंड कैचिंग टूल। डेटा फेचिंग का क्या मतलब, जहां तक मुझे समझ में आया कि डेटा फेचिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे भाई देखो हम लोग ऐसे मान लो कि एक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, आप वहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो, सारे प्रोडक्ट्स को शो करा रहे हो, तो क्या करते हो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हो ना, सारे प्रोडक्ट आपको मिलता है जेसन फॉर्मेट है, आप उसको रेंडर कराते हो, चाहे रिएक्ट हो, वीओ, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हो, तो उसको बोलते हैं डेटा फेचिंग, ठीक है। डेटा को आप फेच कर रहे हो, सर्वर सब डेटा को ले रहे हो, जैसे रिक्वेस्ट भेजा और आपको रिस्पॉन्स में ऐसा डेटा मिल गया, सारे ई कॉमर्स जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मिल गया। ऐसे मान लो आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर आपने रिक्वेस्ट भेजा, वेब पेज लोड लिया, एप्लीकेशन लोड लिया, आपने रिक्वेस्ट भेजा, तो आपको क्या मिला वहाँ पर रिस्पॉन्स में स्टूडेंट का लिस्ट मिला, मतलब डेटा मिला, तो उसको लोग डेटा फेचिंग बोलते हैं कि आप वहां पर डेटा को फेच कर रहे हो, मतलब रिक्वेस्ट भेज रहे हो और उसके बदले में आप वहां पर रिस्पांस को जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको प्ले के शो करा रहे हो, ठीक है। मोटा मोटी इसका देखा जाए मतलब, तो आप डेटा को जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना उसको डेटा फेचिंग बोलते हैं, मतलब जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वेबसाइट पर, सॉरी, तो उसको हम लोग डेटा फेचिंग बोलते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ई कॉमर्स साइट हो जाए या कोई ब्लॉग, जैसे ब्लॉग्स है तो ब्लॉग्स में क्या, जैसे आप क्लिक करते हो किसी पे, ठीक है, तो वो क्या होता है सर्वर पर भेज जाता है रिक्वेस्ट, तो आप सिंपली डेटा को फेच करो, समझ में आ गया। तो काफी सिंपल डेटा फेचिंग, कोई ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो डेटा फेचिंग के लिए है ये पावरफुल, ठीक है। और ये जो है कैचिंग टूल, तो कैचिंग टूल का सिंपल समझाता हूँ, कैचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो एक बार पेज पे लोड हो गया, ठीक है, तो फिर से रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने क्लिक किया, मान लो यहाँ पर कुछ डेटा दिख रहा है, फिर बैक आता हूँ तो क्या होगा, फिर से रिक्वेस्ट जाएगा। और अगर रिडक्स आप यूज़ करो या रिडक्स टूलकिट यूज़ करो, लेकिन यहाँ पर रिडक्स क्वेरी में क्या होगा कि वो फिर से रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है, वो कैचिंग टूल मतलब सिंपली वो कैचिंग के लिए बेस्ट है। तो सिंपली वो जो पहले डेटा पड़ा हुआ था एक बार लोड हो चुका है, वही डेटा यहाँ पर हमें शो होगा और सही भी है, ठीक है। फिर से क्यों भाई रिफ्रेश करना, नेटवर्क यूज में आप देख सकते हो नेटवर्क टैब में। तो ये मोटा मोटी इसका हिसाब है भाई रिडक्स टूलकिट क्वेरी का, कि भाई ये क्या है और किस लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, डेटा फेचिंग के लिए बेस्ट है। अब देखो आप सिंपल और एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको ये नहीं सुनना तो आप वीडियो को स्किप कर देना, बट कुछ और बताता हूँ कि जैसे हमारा क्या होता है, क्रड एप्लीकेशन बनाना तो सीधा दिमाग में आता है रिडक्स, ठीक है, सिंपल सा है।
करंट एप्लीकेशन बनाना, तो दिमाग में पहले आता रिडक्स, सीधा हम लोग रिडक्स पे जाते हैं, चाहे टू डू ऐप बनाना हो, चाहे कोई आपका कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी हो। जहाँ तक मैंने देखा यार, मैंने यूज़ किया और भी बहुत सारे हैं, तो रिडक्स पे हम लोग चल जाते हैं। अभी तो रिडक्स टूलकिट क्वेरी है, जिसमें मैंने सीरीज बना दिया, 6-7 वीडियो बना दिया, वो सारे कवर है। जैसे ये अगर आप देखो कि यहाँ पर API रेफरेंस में मिल जाता, ये सारे सारे मैंने बताया था। क्रिएट रिड्यूसर और क्रिएट एक्शन की मदद से कैसे आप करंट एप्लीकेशन बना सकते हो, क्रिएट स्लाइस की मदद से कैसे आप करंट एप्लीकेशन बना सकते हो, क्रिएट एसिंक थंक की मदद से कैसे आप मन स्टैक में ये यूज होगा, कैसे आप डेटा को फेच कर सकते हो क्रिएट एसिंक थंक की मदद से, और क्रिएट ETL एडाप्टर की मदद से आप कैसे बहुत 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 इजीली करंट एप्लीकेशन बना सकते हो। ये सारे मैंने बना के रखा हुआ है, और अगर आप ये आपने देखा होगा, एटलीस्ट आपने क्रिएट स्लाइस देखा होगा, तो आपको ये वीडियो बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इंटरनली रिएक्ट टूलकिट क्वेरी क्रिएट स्लाइस और क्रिएट एसिंक थंक को यूज करता है। तो आपको वो चीज अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, समझ में ऐसे भी आएगा, बट अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा क्रिएट स्लाइस और क्रिएट एसिंक थंक के बारे में आप अगर जानते हो, तो सिंपली आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको अभी वो देखना है, क्योंकि ऐसा कोई यूज नहीं है कि भाई वो भी आपको सीखना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सीन हो गया यहाँ पर रिडक्स टूलकिट क्वेरी का। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अब कोडिंग पे। ठीक है, बहुत आपको बता दिया। आप देखो, आपको जानना है कि क्या मतलब, देखो मोटिवेशन सेक्शन अगर इतना सा पढ़ लोगे ना, खाली आपको इतना सा पढ़ना है, और नहीं समझ आओ तो फिर से पूछना जरूर। ठीक है, कमेंट पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो अब मोटिवेशन बस इतना पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उसको यूज़ क्यों करना है, उसको यूज़ करने क्या क्या फायदा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप स्पिनर शो करा सकते हो, और आपको डुप्लीकेट रिक्वेस्ट नहीं जाएंगे। जैसे हम लोग रिडक्स टूल किट में क्या होता था कि रिफ्रेश बार बार होता, तो यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट नहीं जाएंगे। एक बार हो गया तो भाई हो गया, बस उसका नहीं जाएगा, वही डेटा फिर लोड होगा। ठीक है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ यहाँ पर है, बहुत सारे है, तो आप यहाँ पर पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटा फेची, ये जो है इन्होंने बताया कि भाई रिडक्स को हम लोग ज्यादातर यूज करते थे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जबकि डेटा को हम लोग फेच करते थे, लेकिन रिडक्स को क्या किस नाम से जाना था, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अगर आप देखो गौर से, रिडक्स या रिडक्स टूलकिट जो भी बोलो, तो स्टेट मैनेजमेंट के नाम से जाना था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेशली बनाया डेटा फेचिंग और कैचिंग के लिए। तो ये इतना सब पढ़ोगे ना बस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज करना है। मोटिवेशन का मतलब वही होता है ना कि क्यों करना है, तो यहाँ पर वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये सारा कुछ है। जैसे मैंने बताया कि इंटरनली ये लोग क्रिएट स्लाइस और क्रिएट एसिंक थंक को यूज करते हैं, तो ये सारा कुछ इंटरनली वर्क होता है। तो चलिए अब डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है, बिना कुछ ये किए मतलब, तो हम लोग शुरू करते हैं ये बनाना। तो सबसे पहले आपको रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है। अब मैं पहले क्या करता था, मैं पहले वो स्टार्टर फाइल देता था आपको, इसलिए क्योंकि मैं मेरा सिस्टम पे जो लैपटॉप था, हार्ड डिस्क था, और काफ़ी स्लो चलता था। अभी मैंने SSD लगाया हुआ, अभी सेल चल रहा था अमेजोन पे, तो मैंने SSD लगाया हुआ, और उसके वजह से अभी काफ़ी मस्त है, मतलब बहुत फास्ट चल रहा है। तो अभी मैं ऐसा नहीं कि स्टार्टर फाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखा होता था ना काफ़ी, अब तो पूरा फास्ट चल रहा है, तो अभी बहुत स्पीड से आपको दिखाऊंगा कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो अभी सब तूफान कैसा चलेगा यहाँ पर कोड वगैरह। ठीक है, तो जाते हैं अपन डेस्कटॉप पे, और ये आगे डेस्कटॉप पे, और अभी क्रिएट करते हैं रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये हो गया, और कुछ भी दे सकते हो, ABCD कुछ भी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ RTK हेलो वर्ल्ड, कुछ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल से एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हेलो वर्ल्ड, या जो मन करे सो दे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है, जब तक कि आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ी देर आपको बस वेट कर लेना है इसके लिए। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस पर अब जाते हैं। तो सिंपली आप CD कहाँ कमांड लाइन से भी जा सकते हो, और ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर CD मैं लिखता हूँ RT का, इस तरह से RT लिख के भी टैप करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड ये आ गया, इंटर करता हूँ। तो अब इस फोल्डर के अंदर भी जाके यहाँ पर ओपन, इस फोल्डर को आप ओपन कर लोगे, और यहाँ पर जो है राइट क्लिक करोगे ओपन विथ कोड में, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको अपने कोड एडिटर पर हम लोग ओपन कर लेते हैं जल्दी से, और ये हर बार आता है, इसका हर बार का ड्रामा है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप बाहर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हो, आपको सिंपली यहाँ लिखना है यार स्टार्ट, और इंटर प्रेस कर देना, तो ये आपका ब्राउजर पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है हमारे गूगल क्रोम ब्राउजर पर। ठीक है, सब कुछ सही है। चलो अब यहाँ पर क्लीन अप कर लेते हैं, काफी सिंपल, ज्यादा कुछ करना है नहीं। इसको सिलेक्ट करो, सेटअप टेस्ट रिपोर्ट और लोगो, और ये चारों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, काफी सिंपल है। ये हो गया भाई हमारा यहाँ से डिलीट, और app.css को पकड़ के यहाँ से इसका क्लीन कर दो, हो गया। index.css को भी यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्लीन हो गया। और यहाँ पर app.js में जाना है, और यहाँ पर हेडर को ये सिलेक्ट करके यहाँ पर बस सिंपली लिख लेना h1 कुछ भी। हेलो यार क्या हो रहा है, हेलो रिएक्ट। ठीक है, अगर बताना वीडियो में कि फॉन्ट साइज कम दिख रहा है क्या, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं आपको, बट आप क्या बोले, तो लोगों को हटाते हैं यहाँ पर, क्योंकि मॉनिटर का है ना, तो इसमें हो सकता है कि उसी हिसाब से वो स्पेक्ट रेशियो उस तरह से बैठ जाए। तो ये हमारा लोगो हमने यहाँ से हटा दिया, इंपोर्ट था, और index.js में जाते हैं, ये जो रिपोर्ट वेब वाइटल से इनको हटाते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब सही है सब कुछ, ठीक है, अब सब कुछ सही है।
ये हेलो रिएक्ट आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो मैं बोल रहा था कि कैसे करना है, ठीक है। तो रिडक्स टूलकिट क्वेरी, आरटीएल क्वेरी को इंस्टॉलेशन सबसे पहले मैं सेटअप करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो मैं एक नया यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ प्लस पे क्लिक करके। तो हम लोग यहाँ पर रिडक्स जेएस टूलकिट को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसी में इंक्लूडेड रहता है, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रिडक्स जेएस टूलकिट यूज करें तो ठीक है, उस पर ऐड कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रंट सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने यार्न स्टार्ट लिख दिया, सॉरी। तो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है रिडक्स जेएस टूलकिट को। तो आपको लिखना है यार्न ऐड, ठीक है, और आपको लिखना है @redux.js/toolkit। तो आपको यहाँ पर रिडक्स जेएस टूलकिट को ऐड कर लेना है, और साथ में हम लोग यहाँ पर यूआई के लिए मेटेरियल यूआई को अभी ऐड कर लेना है, ठीक है, ताकि मतलब थोड़ा सा लगे यार, ऐसे नहीं लगे काम चलाओ टाइप से। तो मैं यहाँ पर स्पेस देकर सिंपली मैं कुछ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपली मेटेरियल यूआई इंस्टॉल कर, जो लेटेस्ट है मेटेरियल यूआई 5, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरह से लिखना है @MUI/material, और ये दो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है, ये दोनों पैकेज हैं तो फिर होगा नहीं, ठीक है, तो ये आपको एरर आ जाएगा। तो सिंपली @emotion/react और @emotion/style, इन तो इन सारे को इंस्टॉल कर ले रहे हैं, लेकिन हमें जो मेन हमारे यहाँ पर काम था रिडक्स जेएस टूलकिट का, तो ये सबको हम लोग इंस्टॉल कर ले रहे हैं। और आपको इंटरफेस कर देना, तो ये सारे पैकेज अभी एक बार में आपका इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, एक पैकेज तो इंस्टॉल, ये सारा इंस्टॉल हो गया पैकेजेस, बट एक पैकेज तो इंस्टॉल करना भूल ही गए हैं यार, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, जो कि मेन है हमारा, जो कि रिएक्ट और रिडक्स को जोड़ने का काम करता है, ब्रिज एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार नेट आपको लिखना है रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, ये बस इंस्टॉल कर लेना। तो ये मैं भूल गया था बोलना, तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो इसको क्लोज करते हैं, और ये हमारा रन हो रहा है, इसको रहने देते हैं। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो अभी हमने तो इंस्टॉल सेटअप इंस्टॉलेशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेटेरियल का थोड़ा सा यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, मतलब काफी सिंपल से एकदम जो होता है वो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो @ यहाँ पर MATERIAL UI/MATERIAL थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है, जो उसका पहले का वर्जन था, काफी सिंपल सा यहाँ पर सेटअप करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ये हो गया। और मैं यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं कुछ यहाँ पर इनिशियल, बस काफी सिंपल है, दो चार लाइन का कोड लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, CSS बेस लाइन, और ये CSS बेस लाइन सिंपली रिसेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CSS बेस लाइन को एज ए कॉम्पोनेंट डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो है कंटेनर, ठीक है, जिसमें KH1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप इसको रिलोड करेंगे, मतलब ये ऑटोमेटिक अभी हो जाता है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा यहाँ पर UI। तो अब जो क्या है कि अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है यहाँ पर API सर्विस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर सर्विस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, सोर्स फोल्डर के अंदर आपको एक बनाना होगा फोल्डर सर्विसेज, काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन में आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो जो आपको सही लगे। और यहाँ पर हम लोग API सर्विस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, API सर्विस के अंदर सिंपली हमारा वो सारा इंड पॉइंट होगा, ठीक है, कि अगर हम लोग क्वेरी कर रहे हैं डेटा को, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सिंपली कि हम लोग डेटा को फेच कहाँ से करने वाले, वो मैं बताना भूल गया। तो JSON प्लेस होल्डर में अगर जाएंगे, जो कि डमी वेबसाइट है, वहां से मतलब डमी डेटा को आप ये कर सकते हो, फेच कर सकते हो, बहुत कुछ आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना, मैं सिंपली इस पे दिखाता हूँ यूजर्स पे, ठीक है। तो ये रहा, तो जैसे आप जेसन प्लेस होल्डर typico.com/users पे हिट करोगे, तो आपको सारे यूजर्स का डेटा मिल जाएगा, तो मतलब कि आप डेटा को फेच कर रहे हो, ठीक है। उसका सिंपली अगर /1 अब करते हो, मतलब स्लैश उसका आईडी, जैसे इसका आईडी 1 है ना, तो मैं /1 पे करता हूँ उसका आईडी पे, तो उसे मुझे फर्स्ट वाले का डेटा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, तो 10th वाले आईडी का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इसको ये एक्सेस करने का, और एपीआई में तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तो सिंपल की भाई, सिंपली हम लोग यहाँ पर दो चीज करने वाले, डेटा को फेच करने वाले हैं, और डेटा को आईडी के बाय आईडी से फेच करेंगे, मतलब कि एक्सेस करेंगे यूजर के डेटा को बाय आईडी। और ऐसे बहुत सारे आपको पता होगा, बाय मान लो नेम से फेच करना हो, या फिर बाय ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से हो, तो वो सारे एडवांस एग्जाम्पल हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स, लेकिन सिंपली देखेंगे क्योंकि ओवरव्यू वीडियो है, तो आपको सिंपली समझ में आना चाहिए कि भाई है क्या चीज एक्चुअल में। तो हम लोग यहाँ से फेच करने वाले, तो इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर्विस फोल्डर क्रिएट कर दिया, तो क्योंकि ये हमारा यूजर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो सर्विस, ये सर्विसेज फोल्डर है, इसके अंदर मैं देता हूँ फाइल करने में, यहाँ पर user.js, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजर नहीं, यूजर्स होगा, ठीक है। तो सिंपली users.js, ठीक है, हमने एक फाइल क्रिएट कर दिया, सिंपली हमने यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट किया एक तरह से, क्योंकि सर्विस होल्डर्स के अंदर हमने इसको क्रिएट किया, तो सिंपली किया, हमने एक API सर्विस यहाँ पर क्रिएट किया। अब आगे कोडिंग करते हैं, चलिए।
हाँ तो फ्रांड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को डेटा को फेच करना है, ठीक है। जो मैंने आपको लोकेशन यूआरएल लिखा वहाँ से हम लोग डेटा को फेच करना है, तो हमारे पास उसका इंड पॉइंट होना चाहिए। जैसे रेस्ट एपीआई में क्या होता है कि इंड पॉइंट होता है ना, कि आप इस पे हिट करोगे तो ये मिलेगा, इस पे हिट करोगे तो ये मिलेगा, तो हमारे पास भी यहाँ इंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो दो इंड पॉइंट होगा। एक तो भाई जैसे मैंने बताया कि हम लोग सारे डेटा को फेच करना चाहते हैं, तो मान लो कि गेट ऑल यूजर्स हो गया, ये नेमिंग देते हैं। जैसे कि हम लोग रिडक्स थम किया, क्रिएट ऐसे थम करते थे ना, गेट ऑल यूजर्स, गेट यूजर बाय नेम, गेट यूजर या फिर अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, क्रिएट यूजर करते थे ना, तो यहाँ पर भी सेम उससे हम लोग उसी तरह से रिलेटेड समझ लो कि हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उस वो नेम जिस पे हिट करने से हमारा वो डेटा, वो एक्शन होगा बोला जाए, या फिर वो डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन तो नहीं, मतलब डेटा हमें वो रिटर्न करेगा, मतलब ऐसे रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो दो एंड पॉइंट होने वाला है, एक तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं गेट यूजर, ठीक है, या फिर गेट ऑल यूजर्स, ये गेट ऑल यूजर ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो है एक होगा गेट यूजर बाई आईडी, क्योंकि आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, ये दो फीचर है। और तो मुझे नहीं लगता और किसी से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सिंपल एपीआई, तो हम लोग ये दो चीज यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले। अब यहाँ पर इनपॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्रिएट एपीआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली इंपोर्ट यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, कर लिए भेज देंगे, और फ्रॉम, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अभी हमने रिडक्स जेएस टूलकिट को इंपोर्ट किया, तो रिडक्स जेएस टूलकिट यहाँ पर देना आपको, रिडक्स जेएस स्लैश टूलकिट स्लैश आपको देना क्वेरी, ठीक है, क्वेरी। और आप यहाँ पर दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक तो ये और एक दूसरा कि रिएक्ट के लिए स्पेशली ये यहाँ पर है कि क्वेरी स्लैश अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर ऑटो जनरेटेड हुक्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, क्या है नहीं ये समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए इसको इग्नोर करता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ऑटो जनरेटेड हुक्स, मतलब आपके लिए खुद ये जनरेट कर देगा जिसको वो हुक्स जिसको कि आप कॉल करते हैं आपको डेटा मिल जाएगा, ये लॉजिक है सिंपली, ठीक है। तो आपको आगे समझा दूंगा कि है क्या नहीं जो भी है। तो यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे सिंपली अभी के लिए क्रिएट एपीआई, ठीक है, सिंपल है। क्रिएट एपीआई को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, यहां पर मैं लिखता हूं यूजर एपीआई, ठीक है, यहां पर यूजर एपीआई, ठीक है, यूजर एपीआई यहां पर लिखते हैं, और यहां पर इक्वल्स टू लिखे सिंपली क्रिएट एपीआई को कॉल करते हैं, काफी सिंपल है। और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करा रहा हूं जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है, ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं यहां पर हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाला हो, तो इसके अंदर दो तीन चार चीज़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर रिड्यूसर पाथ जाएगा, मिडिल यहाँ पर मिडिलवेयर है, और भी बहुत सारी चीज़ है, तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स भी हम लोग यहीं पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बेस क्वेरी देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस क्वेरी, तो बेस क्वेरी क्या है मैं वो भी बताता हूँ। बेस क्वेरी क्या है कि देखो, बेस क्वेरी कहने का मतलब एक बेस समझ लो, बेस जो यूआरएल होगा या फिर बेस जो पाथ होगा, एक बेस लोकेशन बोला जा सके, या फिर यूआरएल बोलो सही होगा, तो जो कि एक हमेशा मतलब सेम रहेगा, जैसे समझो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप ये यूआरएल को हिट करते हो, ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिंग कोड डॉट कॉम स्लैश यूजर्स, ठीक है, तो आपको सारे यूजर्स मिलते हैं। और अगर आप स्लैश यूजर्स यहाँ पर ओन करते हो तो आपको क्या मिलता है, उस यूजर में जितना भी उसमें से फर्स्ट वाले डेटा, ठीक है। हमारे बेस जो है जो कॉमन सा यूआरएल है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर यूजर स्लैश यूजर्स हो रहा है, यूजर स्लैश वन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर चेंज हो रहा है कि ये किसी में यूजर्स है, किसी में यूजर स्लैश वन। आप यहाँ पर यूजर्स को स्लैश यूजर्स को भी ले सकते हो एज ए बेस यूआरएल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेस में ये समझ लो कि जो कॉमन है, जो कभी चेंज नहीं होगा, जो वेबसाइट के यूआरएल या एपीआई का जो यूआरएल है वो, ठीक है। अब मान लो कि ये वेबसाइट में पोस्ट भी हमें मिलता ना, तो अगर यहाँ पर अगर आप पोस्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं पोस्ट में भी अगर डेटा ही देगा, पोस्ट सारा, ठीक है। मान लो कि हमारे एप्लीकेशन में दो चीज़ यूज करना, हम लोग ब्लॉग भी बना रहे हैं और मान लो कि और भी कुछ बना रहे हैं, तो हमारा बेस क्या होगा, उस हिसाब से देखा जाए तो बेस ये वाला होगा, ठीक है। और बाकी पोस्ट में फिर आप स्लैश वन करोगे तो आपको पोस्ट का फर्स्ट वाले पोस्ट का डेटा मिलेगा जिसका आईडी वन है, ठीक है। तो ये मैं दिखा रहा था, लेकिन यूजर्स के केस में आप इसको भी बेस यूआरएल तरह ले सकते हो, क्योंकि भाई बस तो हमें यूजर ही चाहिए, ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर बेस में ये यूआरएल को ही लेता हूँ, ये जो है बेस में, ठीक है, इसको लेता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर बेस क्वेरी में, वो बस देना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पर साथ में जो आएगा फेच बेस क्वेरी, ठीक है। तो फेच बेस क्वेरी सिंपली कुछ नहीं, एक तरह से ये फेच एपीआई के ऊपर एक रैपर कैसा काम करता है, मतलब एक कंटेनर एज ए कंटेनर। तो आपको यहाँ पर देना फेच फेच बेस क्वेरी को यहाँ पर कॉल करना, जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। और इसमें सिंपली एक आपको क्या करना है, इस तरह से कॉल करते हो, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट फिर से पास कराना है, और आपको यहाँ पर बेस यूआरएल लिखना है, बेस यूआरएल, ठीक है, ये तो आ गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पर आपको वो बेस यूआरएल पेस्ट कर देना है, काफी सिंपल है। देखो ये हो गया पहला स्टेप हमारे, यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अपने इंड पॉइंट्स डिफाइन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंड पॉइंट्स हमें देना कि जैसे गेट ऑल यूजर्स या यूजर बाय आईडी जो भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इंड पॉइंट्स देंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंड पॉइंट्स, ऑटोमेटिक पॉपअप भी हो जा रहा है इंड पॉइंट्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक फंक्शन जगह, एरो फंक्शन यहाँ पर देंगे हम लोग,
इस तरह से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वैलकुलेशन कराना नहीं है, सिंपली हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करना है कि यार 5 + 5 = 10 होगा, या फिर कुछ ऐसे कुछ कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है कि लोकल स्टोर से कुछ लेना, सो कुछ भी नहीं करना है हमें, सिंपली यहाँ पर रिटर्न करना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें सिर्फ रिटर्न कराना, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं देंगे, इसका कुछ और मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट देंगे और कर्ली ब्रेसेस देंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं जिसमें कि हमारा एंड पॉइंट डिफाइन होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस एरो फंक्शन में बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, क्वेरी के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बिल्डर पास कराएंगे, और यहाँ पर हम लोग अपना एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे सिंपली। तो जैसे मैं गेट ऑल यूजर, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर गेट ऑल यूजर्स यहाँ पर, अरे यार क्या हो रहा है, कैप्स लॉक ऑन हो गया, ठीक है। गेट ऑल यूजर्स को यहाँ पर हम लोग हमारा एंड पॉइंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और सिंपली आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है बिल्डर, ठीक है, बिल्डर, जो कि हम यहाँ पर बिल्डर ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है बिल्डर डॉट क्वेरी, ठीक है। थोड़ा सा लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड आपको कि भाई इतना अंदर इसको घुसना पड़े, इतना चेनिंग वेनिंग करना पड़े, इतना कुछ लिखना पड़ा, लेकिन काफी सिंपल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर से, और अगर कोड सिंटेक्स से देखेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर बिल्डर डॉट क्वेरी मिलता है, जहाँ पर हम लोग क्वेरी करेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉल करना, और इसके अंदर भी आपको ऑब्जेक्ट पास कराना है जिसमें कि आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करना है क्वेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सीन है, अगर आप क्वेरी यहाँ पर पास कराते हो, और ये कॉमन होने वाला हर एक में, ऐसा नहीं कि आपको किसी और में कुछ और लिखना पड़ेगा, देखना भी कैसे कॉमन होगा। दो हम लोग इंड पॉइंट बनाने वाले ना, गेट ऑल यूजर्स और गेट यूजर बाई डी, पूरा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और पूरा कॉमन होने वाला, कुछ का ये नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्वेरी एक प्रॉपर्टी में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्वेरी एक प्रॉपर्टी डाला, इसके अंदर क्या होगा, हमें फंक्शन यहाँ पर देना, और ये फंक्शन, अब देखो गेट ऑल यूजर करे तो हमें थोड़ी ना हम लोग यूजर से कुछ बोल रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, हम तो सीधा रिक्वेस्ट भेजेंगे और यूजर का लिस्ट रिटर्न करा देंगे। अब मान लो गेट यूजर बाय अगर आईडी होता, तो हम लोग वहां पर ना कुछ जैसे डिस्पैच कर देते ना वहां से, क्रिएट एसिंक थिंग या जो आप रिडक्स थिंग यूज करते हो, पर क्या करते हो, डिस्पैच करते हो, और अगर किसी पार्टिकुलर आईडी का चाहिए होता है डेटा, तो आप सिंपली उसमें आईडी पास कराते हो, ठीक है, और फिर उस आईडी के डेटा को करते हो। तो हमें यहां पर कुछ चाहिए नहीं ना, तो इसलिए इस फंक्शन को क्वेरी में जो फंक्शन डालेंगे ना, इसको एम्प्टी डालेंगे। अगर कुछ हमें यूजर, मतलब कुछ हमें कहीं से कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, मतलब चाहिए ऐसा नहीं, मतलब मेरा कहना मतलब कि हम लोग तो सर्वर से डेटा चाहिए, बट यहां से हमें कुछ सर्वर पे कुछ नहीं ना पास कराना है, कह रहे हैं मतलब ये हुआ, तब फिर ठीक है। तो इसलिए एम्प्टी फंक्शन, अगर सर्वर से कुछ चाहिए होता कि भाई हमें कुछ नेम से करना है, तो सिंपली यहाँ पर नेम पैरामीटर डालते हैं और नेम, फिर से हम लोग नेम हमें मिल जाता, मतलब वो एक्सेस कर लेते हैं, कहने मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुल मिला के क्या बात है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एम्प्टी एरो फंक्शन देंगे, और हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बेस यूआरएल, तो ये है ना, बेस यूआरएल हमने सेट कर दिया, तो ये तो हमेशा प्रीफिक्स रहेगा, तो हमें उसके बाद स्लैश क्या था, स्लैश देखना, स्लैश भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया हुआ है। तो अगर यूजर्स पे हिट करते हैं, ठीक है, यूजर्स पे अगर हिट करते हैं, तो हमें ये सारे यूजर्स के डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखना रिटर्न कराना स्ट्रीम यूजर्स, ठीक है, बस ये इतना ही सा बस करना था, बस को सेव करते हैं। तो क्या होगा, इसके जब भी ये एंड पॉइंट हिट होगा ना, गेट ऑल यूजर्स हिट होगा, तो सिंपली ये बेस यूआरएल के साथ मिलके इसमें अटैच हो जाएगा, और सिंपली ये हिट करके डेटा को क्वेरी करके डेटा को ला देगा आपको। तो सिंपली क्या होने वाला फाइनल रिजल्ट, इस पे स्लैश यूजर्स, जब भी ये हिट होगा तो स्लैश तो लगा हुआ, तो स्लैश यूजर्स ये जाएगा, जैसे हिट होगा तो ये सारा डेटा आ जाएगा। तो काफी सिंपल है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको जनरेटेड हुक्स मिलते हैं, आप बोलोगे भाई दिखाओ कहाँ है, ठीक है, ऐसा बोलोगे ना, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अभी। तो फ्रेंड्स अभी आपको इसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको बहुत कम यहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको सिंपली इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को, इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको इसको सिंपली कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टोर से, अभी तक हमने स्टोर नहीं क्रिएट किया, अभी तक हमने प्रोवाइडर नहीं ऐड किया, तो हमें सिंपली इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टोर से। अभी स्टोर भी क्रिएट करेंगे और उसको फिर हमारे इस एप्लीकेशन से कनेक्ट भी करेंगे। तो सिंपली ये जो चीज़, हमने तो सर्विस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, मतलब फोल्डर और ये जो है एपीआई सर्विस, बट ये जो चीज़ें यहाँ पर हम लोग इसको एपीआई स्लाइस बोलते हैं, जैसे आपने क्रिएट एपीआई यूज किया ना, तो इसको एपीआई स्लाइस बोलते हैं। तो सिंपली एपीआई स्लाइस क्यों, जैसे कि आपने क्रिएट एपीआई को कॉल किया, तो क्रिएट एपीआई क्या करता है, इंटरनली स्लाइस क्रिएट करता है, और क्रिएट एसिंक थंक यूज करता है, मैंने आपको दिखाया था ना इससे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये इंटरनली उसको यूज करता है, ठीक है। तो ये क्रिएट, तो इसीलिए हम लोग इसको मतलब एपीआई स्लाइस इसको बोलते हैं। तो सिंपली इस एपीआई स्लाइस को हमें कनेक्ट करना है। सिंपली अगर देखा जाए तो, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो सिंपली समझ लो कि इस चीज़ को हमें कनेक्ट करना है स्टोर के साथ। हमने यहाँ पर एंड पॉइंट अपना डिफाइन कर दिया कि भाई जैसे ही कोई गेट ऑल यूजर्स पे हिट करेगा, ये भी हमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ अलग मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसको पे जैसे हम लोग हिट करेंगे ना, हिट भी नहीं करना, ऐसा नहीं डिस्पैच भी नहीं करना है, कॉम्पोनेंट जैसे लोड होगा, खासियत मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी इसके हुक्स, जो भी जनरेटेड हुक्स मिलने वाले हैं ना, जैसे यूज इफेक्ट हुक्स है, यूज इफेक्ट हुक्स है, उसी तरह से यहाँ पर हमें हुक्स मिलने वाले, उस जनरेटेड हुक्स को जहाँ पर आप यूज करोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, थोड़ा सुन लो। तो यहां पर यूज करोगे ऑटोमेटिक वो कंपोनेंट रेंडर जैसे होगा ना, कंपोनेंट जैसे शो करेगा व्यू पे अगर दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक वो डेटा फेच करके आपका सलाह देगा, आपको डिस्पैच नहीं करना, आपको फिर लिखना नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको, यहां पर जो हमें जनरेटेड हुक्स मिलता है, मतलब हम लोग इस एपीआई को एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सिंपली हम काफी एक्सपोर्ट करें, काफी सिंपल, आपको यहां पर एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देना, काफी सिंपल है, हो गया, ठीक है जी, ये एक्सपोर्ट हो गया आपका यूजर से एपीआई।
अब इसको स्टोर से कनेक्ट करना है, तो हम लोग सोर्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं स्टोर डॉट जी एस। जैसे कि पता है अगर रिडक्स या रिडक्स टूलकिट या रिडक्स का आप थोड़ा सा भी यूज करते हो तो आपको पता है भाई स्टोर हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्फिगर करेंगे स्टोर को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्फिगरेशन यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे स्टोर को, हम लोग कॉन्फिगरेशन करने के लिए इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप आई एम पी लिख के यहाँ पर टैप प्रेस करोगे इस तरह से, और यहाँ पर रिडक्स जी एस टूल किट से हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे कॉन्फिगर स्टोर, ठीक है। कॉन्फिगरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्फिगर स्टोर को इम्पोर्ट कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर को भी हम लोग एक्सपोर्ट का, अभी हम लोग स्टोर क्रिएट करेंगे तो स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट फिर बाद में, तो आपको स्टेप बाई स्टेप समझ में अच्छे से आएगा। तो हम लोग स्टोर क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट स्टोर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टोर में यहाँ पर कॉन्फिगर स्टोर को कॉल करेंगे, कॉन्फिगर स्टोर को कॉल करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन को। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कराते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग रिड्यूसर देते थे, याद है आपको, अगर याद होगा इस तरह से रिड्यूसर लिखते थे और इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालते थे, ठीक है। और इसके अंदर रिड्यूसर, जैसे कि हम लोग अलग अलग रिड्यूसर क्रिएट करते थे ना, चाहे फिर आप रिडक्स थंक की बात करें जो लोग पुराने हैं, या फिर जो नए रिडक्स टूलकिट भी यूज कर रहे हो, तो आप लोग अगर क्रिएट स्लाइस की मदद से कर रहे हो, या फिर क्रिएट क्या बोलते हैं यार, क्रिएट रिड्यूसर क्रिएट एक्शन से, तो आप रिड्यूसर का करते हो ना, इंपोर्ट बना के अलग से रिड्यूसर फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर जैसे लिखते हैं स्टूडेंट रिड्यूस, स्टूडेंट लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करके स्टूडेंट रिड्यूस इस तरह से, स्टूडेंट रिड्यूसर इस तरह से मेंशन कर देते हैं। फिर लिखते हैं जैसे यूजर, जैसे ब्लॉग से, तो सिंपली ब्लॉग इस तरह से लिखते थे, और ब्लॉग रिड्यूसर इस तरह से करते थे ना, ठीक है, इस तरह से करते थे ना। तो हमारे पास कोई रिड्यूसर नहीं है, हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई रिड्यूसर अभी तक है नहीं, तो अभी हमें वो भी जनरेटेड मिल जाएगा, ठीक है। हमें मैंने बोला ना कि क्रिएट एपीआई जो है, क्रिएट एपीआई आपको ये ऑटोमेटिक जनरेट करके सारा कुछ देता है, ठीक है। तो क्योंकि इंटरनली यूज़ कर रहा है क्रिएट स्लाइस, तो भाई सीधी सी बात है, तो यूज़ कर रहा है तो आपको रिड्यूसर देगा ही, और ये बहुत कुछ आपको देगा, और क्या क्या देगा वो मैं आपको कॉन्फिग कॉन्सोल लॉकर के दिखाऊंगा। तो ये हमने एक बेसिक से स्टोर क्रिएट किया, इसमें कुछ भी रिड्यूसर नहीं है, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, ये हो गया एक्सपोर्ट। और अभी क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं इंडेक्स डॉट जी एस में, इंडेक्स डॉट जी एस कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यहाँ पर करते हैं रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोर को, जो कि हमारा यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट हमने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट, एक सेकंड, यहाँ पर जो स्टोर हमारा है तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर फाइल से हमने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया, और मैं ये जो रिस्ट्रिक्ट मोड है इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसको कट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर, और इसके अंदर मैं ऐप कंपोनेंट देता हूँ। तो ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है, सिंपली ये क्या करेगा, एज ए पेरेंट यहाँ पर, और जितने भी ऐप के अंदर जो नेस्टेड कंपोनेंट है ना, उसको ये क्या करेगा, ये जो है पास करता जाएगा, ठीक है, डेटा जो भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, प्रोवाइडर कंपोनेंट में एक स्टोर प्रॉप्स देना है यहाँ पर, जिसमें कि आप अपने स्टोर को पास कराते हैं, जो कि हमने अभी इंपोर्ट कर लिया स्टोर, ठीक है, स्टोर फाइल से। तो सिंपली स्टोर में आपको इस तरह से स्टोर प्रॉप्स पास करा देना है, पता नहीं एरर क्यों दे रहा है यार। अच्छा, ये सॉरी यार, पहले से आप वीडियो में देख रहे हो कि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस था, मैंने हटा के थोड़ा वीडियो पॉज किया था, टेस्ट कर रहा था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस दे देने थे, मतलब ऑलरेडी आपको होंगे, मैंने हटा दिया था अभी थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको रिलोड करेंगे जाके, और आप अगर यहाँ पर देखेंगे कौन डेवलपर टूल्स पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आएगा कि भाई स्टोर डज नॉट हैव वैलिड रिड्यूसर, क्योंकि हमने अभी तक कोई रिड्यूसर बनाया नहीं, जो कि हम लोग ऐड करने वाले, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अभी हट जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिडक्स डेव टूल्स, अब इंस्टॉल कर ले वो प्लगइन, ठीक है, मतलब कि वेब क्रोम स्टोर से, ताकि आपको यहाँ पर दिख जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा रिडक्स, ठीक है। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हमारा ये कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली, तभी ये UI यहाँ पर दिख रहा है, वरना यहाँ पर आपको दिखाता है स्टोर नॉट अवेलेबल, या कुछ भी दिखाता है कि स्टोर नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अभी हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसर को जो मैं आपको बोल रहा था, तो अभी क्या करेंगे, जो यूजर हमने यहाँ पर हमने क्रिएट किया था ना, क्रिएट API की मदद से हमने जो इंड पॉइंट्स डिफाइन किया था, और हमने यहाँ पर API स्लाइस जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, तो फ्रेंड्स कुल मिला के बात है कि इस यूजर API को हमें कनेक्ट करना होगा अपने स्टोर से, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हमने यहाँ से कर लिया, तो स्टोर पे जाते हैं और हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट, और यहाँ पर क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड नहीं, तो वो कर्ली ब्रेसेस देना होगा, और क्या यूजर्स API, तो लिखेंगे यहाँ पर यूजर्स API, और फ्रॉम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर, ये ./service फोल्डर के अंदर है, तो सर्विसेस है, सॉरी सर्विस नहीं, सर्विसेस /users, ठीक है, ये हो गया। और मैं यहाँ पर ना कनेक्ट करने से पहले मैं कॉन्सोल लॉकर का आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें आ क्या रहा है। जैसे मैंने बोला ऑटो जनरेटेड होता है, मतलब आपके लिए खुद जनरेट करके देता है, ठीक है। तो देखते हैं यूजर्स API, ठीक है क्या चीज़ इसमें आखिर, चलिए एक बार देख लेते हैं ज़रूर, ताकि आपको क्लियर यहाँ पर रहा है। इसको मैं फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ,
और यहाँ पर देखो, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंसोल को बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो, देखते हैं बहुत कुछ इसमें, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे इंड पॉइंट्स है, ठीक है। वो देखो, इंड पॉइंट्स में ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इंड पॉइंट्स में जो हमने इंड पॉइंट डिफाइन किए थे, गेट ऑल यूजर, सबको दिख गया होगा ये दो जो हमने इंड पॉइंट डिफाइन किए थे। उसके बाद इस पर आपको मिल जाता है क्या क्या चीज़ मिलता है, आपको रिड्यूसर मिलता है, रिड्यूसर पाथ मिलती है। अभी इसका यूज होगा इसलिए मैं इन सब के बारे में बता रहा हूँ। रिड्यूसर पाथ जो कि हमने यहाँ पर यूजर्स में अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर हमने रिड्यूसर पाथ नहीं दिया, सॉरी उसके लिए मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। वो हमें देना है रिड्यूसर पाथ। रिड्यूसर हमें यहाँ पर मिल जाता है, मिडिलवेयर मिल जाता है हमें, और जो मैं बोल रहा था कि ये आपके लिए कस्टम मतलब आपके लिए हुक्स ये जनरेट करके देता है, जिसको कि आप कॉल करते हैं, मतलब जिसको आप यूज करेंगे, जब भी जहां भी कॉल करेंगे तो आपको डेटा ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, आपको डिस्पैच डिस्पैच कुछ इस तरह से नहीं करना है। तो ये तो वजह से हमने क्या डिफाइन किया था, देखो गेट ऑल यूजर है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जनरेट करता है दो चीजें यहां पर। एक जो हमें यूज करना है, यूज गेट ऑल यूजर्स क्वेरी, ठीक है। ये क्वेरी, ये हुक जो है ये जनरेट करता है, क्योंकि हुक का ये होता है ना कि यूज पहले लगा होता है, तो ये हमारे लिए इस तरीके से एक रिडीम अच्छा सा ये हुक हमें हमारे लिए जनरेट करता है। और एक भी है, तो हमें ये इसको यूज करना, और ये बहुत सारे यहां पर है लेकिन सबका यूज नहीं है, ठीक है। तो एक चीज जो मैं भूल गया था यहां पर, कि हमें यहां पर रिड्यूसर पाथ भी देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं, वो सिंपली इज की जैसा होता है, जो कि स्टेट में जो जो हम लोग देंगे ना रिड्यूसर पाथ, वो यहाँ पर की एज मेंशन होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको बस रिड्यूसर पाथ देना है, तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर रिड्यूसर पाथ, ठीक है, रिड्यूसर पाथ देना है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे यूजर से पिया, तो सिंपली मैं लिखता हूँ यूजर से पिया। काफी सिंपल, कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको यार बहुत कुछ यहाँ पर सोचना, ये हो गया, ठीक है। तो आप अगर आप फिर से देखेंगे कॉन्सोल पे, तो आपको यहाँ पर अगर आप फिर से रिलोड करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर जो है ना रिड्यूसर पाथ दिखेगा, यूजर सॉरी रिड्यूसर पाथ में यूजर एपीआई दिखेगा। तो ये एज ए की होगा, रिड्यूसर का नेम होगा हमारा, जो हम लोग स्टेट ट्री में अपना रखते हैं ना, यहाँ पर स्टेट में दिखता है स्टूडेंट ब्लॉग ये वो अल्लाह फलना ढिकाना, तो यहाँ पर वो एज ए की यूज होगा, ठीक है। तो फ्रांड्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसको कनेक्ट कैसे करेंगे स्टोर के साथ, ठीक है। तो काफी सिंपल है, तभी से बोल रहा हूँ बट दिखा नहीं रहा। तो देखो रिड्यूसर हम लोग यहाँ पर देंगे, अब यहाँ पर कैसे देंगे समझना आराम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, स्टूडेंट लिखते थे, अगर स्टूडेंट रिड्यूसर होता था, और फिर उसको इंपोर्ट करके ऐसे स्टूडेंट रिड्यूसर इस तरह से लिखते थे ना। तो अभी हम लोग इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में। अभी हम लोग करेंगे क्या, तो अभी हम लोग को यहाँ पर हम लोग रिड्यूसर को जो नेम देंगे ना, यहाँ पर हम लोग इसको देंगे रिड्यूसर पाथ को ऐसे रिड्यूसर का नेम में देंगे। तो कैसे करेंगे, यूजर एपीआई में मैंने आपको कौन सा लॉक करके दिखा दिया, ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना यूजर एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, यार कैपिटल में क्यों हो रहा है, रिड्यूसर पाथ, ठीक है। तो जिसमें कि हमें ये वैल्यू मिल जाएगा यूजर एपीआई, क्योंकि ये यूजर एपीआई का, तो सिंपली यूजर एपीआई जो हमने दिया था ना यहाँ पर यूजर में, यूजर एपीआई इसी रिड्यूसर का पाथ करें, उसी को एक्सेस करके हम लोग यहाँ पर उस रिड्यूसर के नेम को दे रहे हैं। लेकिन भाई क्या होता है ना, एक चीज मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आप डॉट नहीं लगा सकते, जैसे वेरिएबल में होता है ना नियम कानून, कि आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट का नियम होता है कि आप प्रॉपर्टी के नेम में डॉट नहीं लगा सकते, तो ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये कि इसको आप डायनेमिकली कर सकते हो, डायनेमिकली इन द सेंस कि आप यहाँ पर बस इसको स्क्वायर के अंदर डाल दो, ठीक है, अब ये चलेगा। लेकिन आप डायरेक्टली लिखो कि यूजर डॉट रिड्यूसर नेम, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता कि प्रॉपर्टी के नेम में डॉट डालो, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर दो कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो यूजर डॉट यूजर एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ का जो वैल्यू होगा ना, यूजर एपीआई लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो यहां पर ये रिप्लेस हो जाएगा, ये समझो। तो ये प्रॉपर्टी का नेम क्या बनेगा, यूजर एपीआई, और इस रिड्यूसर का हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर इसका रिड्यूसर होगा ना, ये जनरेटर हमारे लिए रिड्यूसर भी जनरेट करके देता है, ठीक है। रिड्यूसर भी हमारे लिए जनरेट करता है, हमने यहाँ पर रिड्यूसर नहीं क्रिएट किया, ऐसे पहले करते थे क्रिएट रिड्यूसर से या क्रिएट स्लाइस से, हमारे लिए खुद ब खुद ही जनरेट करके दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूजर एपीआई, ठीक है, यूजर एपीआई डॉट यहाँ पर हम लोग देंगे रिड्यूसर, ठीक है, ये हमने देंगे और ये हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। सॉरी यार क्या हो गया, यूजर एपीआई इज नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी यूजर एपीआई है, यूजर एपीआई डॉट रिड्यूसर, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको रिलोड करते हैं, अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे स्टेडक्स पे, तो आपको स्टेट पे दिख जाएगा ये देखो, ठीक है, यूजर रिपेयर, जैसे होता था ना कि यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखता था, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ये वगैरह वगैरह, तो यूजर रिपेयर दिख गया उस की का नाम, और उसमें जो भी क्वेरीज है म्यूटेशन ये सबके बारे में आगे बताऊंगा, और ये कॉन्फिग्रेशन है, बहुत कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग डेटा को यहाँ पर फेच कर लेते हैं। तो फ्रांड्स हमने रिड्यूसर तो यहाँ पर मेंशन कर दिया, अब हम लोग को यहाँ पर क्या है, हमारा जो रिड्यूसर बना था वो जनरेट रिड्यूसर हुआ था, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, कॉन्फिग स्टोर के अंदर। और हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या कि मिडिलवेयर हमें देना है, ठीक है। अब मिडिलवेयर सिंपली आपने इससे पहले यूज किया होगा, अगर रिडक्स यूज कर रहे तो आपको पता होगा मिडिलवेयर क्या होता है। मिडिलवेयर यानी कि मिडिल बोल सकते हो, जो बीच में रहकर चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि अब देख लो शादी होता तो भाई बीच में होता है ना एक मीडिएटर जो कि मतलब मिलवाता है, ठीक है। तो सिंपली वो मिडिल उसको आप मिडिलवेयर बोल सकते हो, ठीक है। तो मिडिलवेयर सिंपली चीजों को बीच में
आप कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मीडिया लोडर का यूज क्या, जो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया कि भाई इन कैचिंग के लिए, डेटा कैचिंग या वैलिडेशन, पोलिंग के लिए, ये सारे फीचर्स के लिए यहाँ पर जो है आप मीडिया लोडर का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर उस चीज के लिए मीडिया लोडर बना, तो मीडिया लोडर को भी हम लोग यहाँ पर कॉन्फिगर कर देते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर मीडिया लोडर लिखना है, मीडिया लोडर, ठीक है, और मीडिया लोडर प्रॉपर्टी देना, और आपको यहाँ पर देना एक एरो फंक्शन देना जिसमें कि आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख दो। तो गेट यहाँ पर देते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी लिख सकते हो एबीसीडी। तो सिंपली जो भी लिखोगे आपको ऊपर डिफॉल्ट मिडिल वेयर मिलेगा एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ गेट डिफॉल्ट मिडिल वेयर, गेट जी डी एम, इस तरह से। ठीक है, आप लिख सकते हो गेट डिफॉल्ट मिडिल वेयर लंबा करके, कोई दिक्कत नहीं, एरो फंक्शन जाएगा। और हम लोग क्या करना है, हमारे पास लोग कुछ मिडिल वेयर जो डिफॉल्ट मिडिल वेयर है ना उसमें ऐड करना चाहते हैं, ये मिडिल वेयर जो हमें मिल रहा है, ठीक है, इस यूजर्स एपीआई से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जी डी एम, मतलब गेट डिफॉल्ट मिडिल वेयर, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉल करना, जैसे कॉल करोगे तो आपको डिफॉल्ट मिडिल वेयर के लिस्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो क्योंकि वो एरे में मिलेगा, तो एरे में अगर हमें कुछ ऐड करना, हमारा मिडिल लोड कैसे करते हैं उसको कॉन्केट करते हैं, और बहुत सारे तरीके ऐड करने के, आप स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज करके भी कर सकते हो। सिंपली करते हैं ना कॉन्केट, ठीक है, और यहां पर कॉन्केट करके हमारा जो मिडिल लोड मिल रहा है, तो हमारा क्या मिल रहा है, यूजर्स एपीआई, यूजर्स एपीआई, अरे यार एपीआई डॉट, यहां पर लिखते हैं डॉट मिडिल लोड, ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप बोलोगे कहां से आया, मैं दिखा देता हूं कंसोल से, ये देखो यहां पर ये मिडिलवेयर मिल रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट मारा है, तो उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर काफी सिंपल है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बस ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आपका सेटअप था, और कुछ भी नहीं करना। अब आप सिंपली डेटा को फेच कर सकते हो, जी डी एम इज नॉट कॉन्केटेड, एक सेकंड ब्रो क्या हो गया ये यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉन्केट लिख दिया, यार यार हद है, मुझे लगा यार कॉन्केट काम नहीं कर रहा क्या, कॉन्केट, ठीक है, मैं यार काम क्यों नहीं कर रहा। तो फिर से इसको रिलोड करते हैं, और आप सबको सही, आप डेटा को फेच करते हैं, जल्दी से यूआई में सेव कराते हैं, क्योंकि यार बहुत 30 मिनट तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो चलो डेटा को जल्दी से फेच कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी करना क्या, मैं सिंपली आपको बताता हूँ। अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि आपको क्या करना है, ऑटो जनरेटेड रिएक्ट हुक्स को इम्पोर्ट करना है अपने कॉम्पोनेंट पे, जहाँ पर भी आपको यूज करना है। और वो इम्पोर्ट कहाँ से होगा, मतलब किससे इम्पोर्ट, वैसे लिखते हैं इम्पोर्ट फ्रॉम इससे, जैसे इम्पोर्ट ये फ्रॉम इससे, तो इम्पोर्ट का जो हमारा एपीआई क्लास है ना उससे इम्पोर्ट करना है। और कहाँ पर करना है, हमें अपने कॉम्पोनेंट फाइल में करना है, जिस कॉम्पोनेंट में हमको उसको डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये एपीआई क्लास है, इसको मैं कॉन्सोल लॉग को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और ये जो है लिखने के लिए हटा दे रहा हूँ। तो काफी सिंपल कोड, ये जो हमारा एपीआई स्लाइस हमने क्रिएट किया है क्रिएट एपीआई के मदद से, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ये ऑटो जनरेट करता है हमारा जो रिएक्ट हुक्स है, जो कि ऑटो जनरेट करता है। मैंने आपको कंसोल लॉग करके दिखाया था ना, कि जैसे हमने इंडपॉइंट दिया है गेट ऑल यूजर, तो उसके बदले में वहां पर आ रहा था ना यूज गेट ऑल यूजर क्वेरी करके दिखाया था इससे पहले कंसोल लॉग में। तो ऑटो जनरेटेड इंडपॉइंट के जो आप इंडपॉइंट ऐड करते जाएंगे, और भी इंडपॉइंट ऐड करेंगे, तो उसके इंडपॉइंट के बेस पे और भी ऑटो जनरेटेड हुक्स आपको मिलेंगे। तो उसको आपको सिंपली इंपोर्ट करना है, जहां पर यूज करना। तो चलिए कंपोनेंट एक फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं जैसे बना ले रहा हूं यूजर्स यूजर्स डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने बना दिया, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सिंपल से स्निपेट डालते हैं। अगर आप आर ए एफ सी लिख के इंटरप्रेस करेंगे, उसके लिए आपका वो होना चाहिए, अगर आप लिखेंगे रिएक्ट करके, वो अगर एक्सटेंशन है रिएक्ट, ये E7 रिएक्ट स्लैश ये, इसको इंस्टॉल कर लेंगे बटन यहाँ पर आएगा इंस्टॉल, तो वो आपका हो जाएगा। तो सिंपली आपको आर ए एफ सी लिख के टैप प्रेस कर देना, तो इस तरह का आएगा। तो सी ऑल यूजर्स इस तरह से लिखते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पर अभी के लिए एप जी एस पे जाते हैं, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पे यहाँ पर यूजर्स पे जो देखेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कंपोनेंट का नाम कैपिटल में हमेशा होगा, फाइल का नाम स्मॉल में देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, ये इस चीज का ध्यान रखना। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे यूजर्स इस तरह से, और इंटरप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो जाएगा। नहीं होगा तो सिंपली आप इनको ये कोड लिख लेना, इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश यूजर्स। ठीक है, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, कभी कोई नहीं होता है तो खुद से करना होगा। तो अगर आप इसको रिलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा सी ऑल यूजर्स। ठीक है, तो आप कुल मिला के बात ये है भाई मेरे कि अपने कोई जो यूजर्स जे एस है, ये सर्विस वाला नहीं, अपना जो यूजर्स जे एस जो कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर हमें सारा यूजर्स को ये करना है, मतलब रेंडर कराना है, काफी सिंपल है। तो हम लोग को यहाँ पर देखा जाए लॉजिकली, तो यहाँ पर हम लोग को डेटा चाहिए यूजर को, हमें डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, काफी सिंपल है, इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट करने के लिए पहले वहां से एक्सपोर्ट तो होना चाहिए ना, यहाँ पर तो हमने एक्सपोर्ट किया है बस इस स्लाइस एपीआई को। ठीक है, तो हम लोग इससे भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, लेकिन सिंपल इससे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कौन से, हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करके एक्सपोर्ट करें इस तरह से, और इक्वल्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे यूजर एपीआई, जो मैं आपको कॉन्सोल लॉग में दिखा रहा था ना उसी के अंदर से, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, तो हम लोग डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब कि आप उस ऑब्जेक्ट से उसको खींच के बाहर निकाल के उसको एज ए वेरिएबल बना रहे हो, और उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा रखा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या बनेगा, अगर आप लिखोगे यहाँ पर जैसे यूज लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, ये देखो यूजर ए सॉरी यूज गेट ऑल यूजर्स
क्वेरी, ये रहा ठीक है, जो भी हम इंड पॉइंट देंगे उसके पहले लग जाएगा यूज और उसके बाद में क्वेरी लग जाएगा, इस तरीके से ये आपको मॉडिफाई करके एक हुक देगा, जनरेट कर देगा आपको कुछ न, हमने ये थोड़ी लिखा था, हमने तो ये लिखा था इंड पॉइंट, तो ये जनरेट करके दिया, हमने ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया, अब हम लोग को इम्पोर्ट करना होगा, यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है। तो इम्पोर्ट डॉट 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 स्लैश यहाँ पर देते हैं, लोकेशन सिंपली आपको देना सर्विस स्लैश यूजर्स यहाँ पर देना, और यहाँ से हम लोग करेंगे जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था ना, ये यूज यूज गेट ऑल यूजर्स ठीक है, यूज गेट ऑल यूजर्स क्वेरी ये दे दिए ठीक है। अब काफ़ी सिंपल, अब यहाँ पर हमको डिस्पैच उस्पैच कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल यहाँ पर फेच करना। अब मैं आपको डेमो पर्पज के लिए दिखाता हूँ कैसे होगा, तो सिंपली मैं कौन सा लॉक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या करना, मैंने बोला था ना आपको सिंपली इसको को कॉल करना, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर डिस्पैच नहीं करना कि कंपनी लोड किया, डिस्पैच किए, डिस्पैच करने के बाद फिर उस डेटा को स्टोर में स्टेट में लोड किए, फिर उस स्टेट से एक्सेस किए सिलेक्टर के जरिए और फिर शो करें, इतना कुछ नहीं करना होगा भाई मेरा, काफ़ी सिंपल है, आपको बस इस हुक को कॉल कर देना बस इतना ठीक है। और आप अगर देखोगे यहाँ पर कौन से लॉक पे, अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये देखो, तो ये स्टेट पेंडिंग दिखा रहा है, तो सबसे पहले पेंडिंग होगा, बहुत सारा इसमें डिटेल्स आएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर से देख लो, लास्ट में जैसे फुलफिल्ड हुआ तो हमें वहाँ पर डेटा मिला 10 आइटम 10 यूजर्स ठीक है। ये देखो सारा 10 का 10 यहाँ पर जो है सारा हमें यहाँ पर मिल गया ठीक है। पहले स्टेट पेंडिंग था तो डेटा अनडिफाइंड था, डेटा कुछ भी नहीं था, एंड पॉइंट नेम गेट ऑल यूजर ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था गेट ऑल यूजर्स, तो गेट ऑल यूजर्स एंड पॉइंट का नेम। अच्छा यहाँ पर आपको बहुत चीज कर सकती हूँ मैं, जैसे इज एरर फॉल्स, मतलब कि अभी कोई एरर नहीं है फॉल्स है, तो अगर ट्रू हो तो एरर दिखा सकते हो, उसका कंडीशनल रेंडरिंग के लिए एक नंबर चीज है भाई मेरे, इस फेचिंग ट्रू मतलब कि अभी फेच हो रहा है, इस फेचिंग ट्रू मतलब अभी फेच हो रहा है, अभी भी फेच हो रहा है, लोडिंग ट्रू क्योंकि अभी डेटा पूरे तरीके से लोड नहीं हुआ, लोड हो रहा है मतलब कि अभी रिक्वेस्टिंग में है कि हाँ चलो प्रोसेसिंग में लोड ले रहा है, इस सक्सेस फॉल्स मतलब कि भाई अभी तक सक्सेसफुली लोड नहीं हुआ फॉल्स, तो वहां पर लोडर लगा के दिखा सकते हो कि अभी तक लोड ले ही रहा है ठीक है। इस रईस अनइनिशियलाइज्ड है ठीक है, उसका फिर ओरिजिनल आर्गुमेंट और बहुत सारा रिफेचिंग इन बाकी जो चीज है और भी है तो मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें सीन है, जैसे अब जैसे है ना यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका स्टेटस फुलफिल्ड है आपको मिल रहा है ठीक है, तो कोई स्टेटस फुलफिल्ड है, इंड पॉइंट जो भी वो तो है, लेकिन इसमें जैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट डेटा जो है ना डेटा प्रॉपर्टी में हमारा सारा डेटा मिल जाएगा जो भी आप फेच करना चाहोगे, और फिर देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कोई एरर अभी तक नहीं आया था तो फॉल्स है, फेचिंग फॉल्स क्योंकि भाई फेच हो चुका ना डेटा सक्सेसफुल आ गया, तो अब क्या फेचिंग होगा, फेच तो हो गया, तो इसलिए इस फेचिंग अब फॉल्स हो गया ट्रू से, इस लोडिंग फॉल्स क्योंकि डेटा पूरी तरह से लोड हो चुका है, तो लोडिंग जो है फॉल्स हो गया ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सक्सेस ट्रू क्योंकि सक्सेसफुली डेटा आ गया तो सक्सेस ट्रू, तो ये मेन चीज़ है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो हुक को कॉल करके, कहाँ गया यार यहाँ पर यूज इसमें ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और फिर मतलब कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ डिस्ट्रक्शन करके, उससे अच्छा रहेगा, मतलब कि इस तरह से कॉन्स्ट लिखना है आपको, करली ब्रेसेस देना और इक्वल टू देके और आपको इस हुक को कॉल करना है ठीक है। और हम लोग क्या करें इससे बाहर खींच के क्या क्या हमें क्या निकालना है, एज ए वेरिएबल में रखना है डेटा को, तो सिंपली डेटा ठीक है। इस तरीके से आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, काफ़ी क्लीन लगता है कोड। और जैसे इज एरर कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इज एरर और एक है इज लोडिंग ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत कुछ है, इस सक्सेस जैसे इस सक्सेस भी आप कर सकते हो, पहले फॉल्स था फिर ट्रू हो गया तो उसे डेटा लोडेड सक्सेसफुली दिखा दिए कि अलर्ट मैसेज, जो आप कलाकार यहाँ चाहे कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है तीन चीज़ें डेटा एरर और लोडिंग ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप करना क्या, तो सिंपल है देखो, बहुत सिंपल बताता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा ठीक है। पहले यहाँ पर हम लोग देते हैं कि हमारे पास क्या डेटा लोड हो रहा है, तो सिंपली लिखेंगे इफ इज लोडिंग ठीक है, और अगर लोडिंग ट्रू होता है तो सिंपली यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे, अभी के लिए रिटर्न यहाँ पर कराते हैं जैसे कि लोडिंग या फिर सिंपली लिख दो ना लोड हो रहा है, जो मन करे सो लिख दो, टेस्टी करें, ये थोड़ी ना कोई हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, उसे बस ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। तो लोडिंग ठीक है, अगर एरर है तो इफ इज एरर, अगर ट्रू होता है, बाई डिफॉल्ट तो फॉल्स था ठीक है, अगर ट्रू होता तो सिंपली रिटर्न कराना है, जैसे अब तो वहाँ पर एरर करोगे, बट यहाँ पर अभी के लिए सिंपली दिखा देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से कुछ वेंट रॉन्ग ठीक है, इस तरीके से हो गया। और अगर नहीं है तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डेटा को रिटर्न कराएंगे ठीक है, रिटर्न सॉरी रिट्रे हो गया, रिटर्न यहाँ पर करते हैं, और रिटर्न क्या करेंगे सिंपली हम लोग यहाँ पर डेटा करेंगे, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, जैसे ग्रिड हो गया ठीक है, कुछ मेटेरियल का कंपोनेंट मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, इंपोर्ट एट द रेट AMUI मेटेरियल स्लैश ग्रिड ठीक है, तो ग्रिड, अरे यार क्या हो गया, ग्रिड को कर लेते हैं, और पेपर बॉक्स ये कुछ कुछ कॉम्पोनेंट है तो मैं जल्दी से इनको कर लेता हूँ पेपर, और फिर एक है बॉक्स है, इन बॉक्स शायद नहीं लगेगा, इतना ही हो जाएगा, तो सॉरी एरर आ रहा है जो भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रिड इस तरह से लिखेंगे ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर लिखेंगे और इसके अंदर देंगे ग्रिड और यहाँ पर देंगे आइटम ठीक है,
और हम लोग लूप चलाएंगे ना डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको यहाँ पर इसके अंदर देंगे इस तरह से करली ब्रेसेस, और हमारा डेटा डेटा प्रॉपर्टी में सारा डेटा आएगा तो वो एरे में है, तो डेटा डॉट मैप करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख लो, जैसे यूजर लिख लो, एलिमेंट एलिमेंट जो मन करे सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इस पैरामीटर में वो हर एक आइटम आएगा, ठीक है, एरो फंक्शन। और हमें सिंपली कुछ कैलकुलेशन करना तो करना है नहीं, सिंपली रिटर्न कराना है JSX, ठीक है, जो कि HTML लाइक सिंटेक्स होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग राउंड ब्रैकेट देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे वो जो मैंने अभी लिखा था ग्रिड इस तरह से आइटम, ठीक है, ये दे दिया। और यहाँ पर हम लोग देते हैं मैं देता हूँ एक्सेस सॉरी SM क्रिया, अब रिस्पॉन्सिव कर सकता हूँ, मैं सिंपल रख रहा हूँ उतना, मैं इस पर जा नहीं रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव होना ही चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेपर कंपोनेंट डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर H4 टैग के अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देख के जो मेरा हर एक आइटम चलेगा, तो यूजर एज आ रहा है, तो यूजर डॉट नेम क्या देख लेते हैं यार, यहाँ पर क्या है, यूजर डॉट नेम है, ठीक है, हाँ तो यूजर डॉट नेम, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब देख लेते हैं कि ये देखो, ठीक है, तो डेटा हमारा सक्सेसफुली अनलोड हो गया। आप इसको लोडिंग करेंगे मतलब रिलोड करेंगे, देखो थोड़ी देर के लिए लोडिंग दिखा रहा है, जो हमने इज लोड जब ट्रू था उसके लिए हम लोग रिटर्न कर रहे थे लोडिंग। हम कुछ भी दिखा सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी कलाकारी कर सकते हो, स्पिनर दिखाना हो, कुछ और भी दिखा देना हो, प्रोग्रेस बार कुछ भी दिखाना हो, आप अपना लेवल पर जो भी करना हर तरह के यहाँ कलाकारी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे रिलोड करते हैं तो उस वक्त मैं सिंपल रख रहा हूँ लोडिंग, और उसके बाद जैसे जैसे लोड सक्सेसफुल हो जा रहा तो हम लोग डेटा दिखाते रहे, काफी सिंपल। आपको यहाँ पर डिस्पैच भी नहीं करना पड़ा, आपने सिंपली हुक को कॉल किया और आपको सारा कुछ मिल गया वो। और इसकी खास बात ये कि जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो ऑटोमेटिक ये कॉल मतलब डेटा आपका ये जब भी रेंडर होगा तो ये कॉल होगा, और कॉल होगा तो आपका ऑटोमेटिक डेटा सारा यहाँ पर फेच हो जाएगा, और एरर वगैरह भी है तो सारा दिख जाएगा। और भी बहुत सारे इसके अंदर इस सक्सेस ट्रू, तो सक्सेस ट्रू मैंने दिखा था ना अभी कौन से लॉग पे, मान लो कि सक्सेस ट्रू पर दिखाना चाहते हो कि फॉल्स था शुरू में और फिर ट्रू हो गया, तो आप दिखा दिए टिक मार्क और यहाँ डेटा सक्सेसफुली लोडेड वगैरह वगैरह, उसमें कुछ पॉपअप स्नैक बार जो भी आप मतलब आप अपने लेवल पे यूआई पे बहुत सारा कलाकारी यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारा कुछ मिल रहा है और आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर लिखते हैं A6 और मैं लिखता हूँ पैडिंग इस तरीके से 2 यहाँ पर दे देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर सही दिखेगा, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ आपको यहाँ पर जो करना है यहाँ पर, तो फ्रंट एक चीज आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली ग्रिड में आपको स्पेसिंग ये लिख लेना, ये आपको दिख रहा हो अचानक लिखा हो, क्योंकि क्या हो गया था बीच में कि वीडियो जो है मतलब रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा था, मैं बोल रहा था 10 मिनट तक, मुझे लगा ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके वजह से, ठीक है। तो स्पेसिंग बस आपको यहाँ पर ग्रिड में स्पेसिंग दे देना है 4 एक प्रॉप्स में, जिसके मदद से क्या होगा कि यहाँ पर स्पेस आ जाएगा यूआई के अंदर, काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, कुछ और भी यहाँ पर शो करा लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है जैसे यूजर डॉट ईमेल, आप यहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन कर ही सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोड क्लीन लगेगा तो उसमें फ़ायदा आप ही का है कि कोड जितना क्लीन होगा आपको इजीली समझ में आ गया। ये देखो आ गया, रिलोड अगर करते हो तो आपको यहाँ पर जो है लोडिंग दिखेगा और ये फिर से इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि यूज़र नेम है, यूज़र है, यूज़र नेम, अच्छा हाँ मतलब यूज़र है, यूज़र नेम है, नेम है और ईमेल है, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, और यूजर डॉट जहां जाए उसका एक बार में सिलेक्ट करके इस तरह से हटा सकते हो, तो ये इस तरीके से भी वर्क करेगा, ठीक है। अब लास्ट एक देख लेते हैं जल्दी से कि भाई अगर हम लोग को, मैं और भी इन पॉइंट ऐड करके दिखा रहा हूँ, एक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मान लो कि फेच करना चाहते हो डेटा बाय आईडी से, ठीक है, मैंने दिखाया था ना, अगर आप jsonplaceholder.com/user/ उसका आईडी हिट करते हो तो उस पार्टिकुलर आईडी वाले यूजर का आपको डेटा मिलेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं, चलो वो देख लेते हैं। तो मैंने बोला था कॉपी पेस्ट ही होने वाला, इसको कॉपी करते हैं गेट ऑल यूजर्स को, इस इन पॉइंट को, और इस इन पॉइंट मतलब इसी के अंदर में हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर फिर इसको पेस्ट कर दिए, तो गेट ऑल यूजर की जगह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं इतना लिख दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ पिछले बार बोला था कि यहाँ पर हमने एम्प्टी फंक्शन ले रहे हैं, जो एरो फंक्शन है उसका पैरामीटर यहाँ पर कुछ भी नहीं हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि हमें यहाँ पर चाहिए आईडी, ठीक है, क्योंकि आईडी की बेस पे तो हम लोग रिटर्न कराने वाले हैं डेटा को, और क्योंकि हमें यूआरएल में आईडी पास कराना है, जैसे यूजर स्लैश आईडी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आईडी लेने वाले हैं। आप यहाँ पर इस एरो फंक्शन में कुछ भी लिख दो, बला बला जो भी ABCD जो मन करे सो लिख दो, आपको यहाँ पर आईडी मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी आईडी पास कराएंगे जब हुक को कॉल करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था, कहाँ आ गए यार, यहाँ पर जैसे हुक को कॉल किया था ना, तो यहाँ पर हम लोग जो भी पास कराएंगे यहाँ पर ना, जो भी यहाँ पर पास कराएंगे वो चीज़ हमें यहाँ पर इस फंक्शन में मिलता है। तो हम लोग अभी कॉल ये बना रहे हैं गेट यूजर बाय आईडी, तो उसके हुक में हम लोग यहाँ पर मतलब इस जगह पे, तो उसके हुक पे कुछ पास कराएंगे तो हमको हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बट अच्छा रहेगा यूजर आईडी लिखना, थोड़ा रिलेटेबल है, समझने में आसानी होगा। तो आप यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हो, जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हम लोग करते हैं कि प्लस इस तरीके से और स्लैश और फिर वो वाला, लेकिन इससे अच्छा टेम्पलेट लिटरल्स इससे अच्छा है, तो इस तरह से देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं यूजर्स, यूजर्स लिखने का क्या मतलब हुआ, ये URL स्लैश यूजर्स, फिर लिखते हैं स्लैश और डॉलर सिंबल देख के यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूजर आईडी, तो यूजर आईडी यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने बोला था जो भी इन पॉइंट डालोगे ऑटोमेटिक आपके लिए जनरेट कर देता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे आप लिखोगे यूज़ देखना ऑटोमेटिक ये हुक आपके लिए जनरेट हो गया होगा, यूज़ गेट यूजर बाय आईडी
क्वेरी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज है पॉपअप, बहुत बार नहीं आता है पॉपअप, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके उस पर, ठीक है, तो आप खुद से लिख लो इस तरीके से, यूज गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, कौन सा लॉकर को तो दिख भी जाएगा, मैंने इससे पहले दिखाया भी था कि आपके लिए जनरेट कर देता, तो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, अब आपको उसको इंपोर्ट करना है, तो आप क्या नहीं कि हम लोग दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि एक व्यू प्रोफाइल का बटन बनाएंगे, क्लिक करते वो दिखना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं राउटिंग, तो अच्छा लगेगा उस पर, ठीक है, तो जल्दी से ऐड करते हैं यार्न ऐड रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, इस तरीके से ऐड करते हैं, और जब तक ऐड होता है तो मैं सब सारे इस फाइल को क्लोज करता हूँ, अभी ऐप जेस में जाते हैं, और अभी तक हमारा ये अच्छा क्या कुछ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, रुक जाओ, गलत ही लिखा होगा, रिएक्ट का मैंने कुछ और लिख दिया, रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम, तो अब तक क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, पता है इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी इसको सेव थोड़ी करने वाला, जो मुझे एरर दिखेगा, तो मैं इसको इस तरह से अभी लिख देता हूँ जल्दी से, फ्रॉम रिएक्ट, होने दो ना तब तक इंस्टॉल, क्या दिक्कत है, लिखना तो ऐसे भी पाए बाद में, तो ब्राउजर राउटर, ठीक है, एज राउटर भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर राउट और फिर स्विच, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, स्विच, ठीक है, और आपको सिंपली रैप कर देना होगा सारे कोड को राउटर से, राउटर के अंदर में, सेव मत करना, एरर आ जाएगा, अभी इंस्टॉल भी ले रहा है, पता नहीं, हाँ वो भी गया इंस्टॉल, चलो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राउटिंग कर देना, तो मैं यहाँ पर सिंपली देता हूँ स्विच, और स्विच के अंदर हम लोग देते हैं राउट एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, वो पाथ मैच करना चाहिए, पाथ देते हैं स्लैश पे, मतलब होम पेज पे हमें दिखना है, दिखेगा क्या, कॉम्पोनेंट पे हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं यूजर्स जो कि हम लोग नॉर्मली दिखा रहे थे, ठीक है, अगर इसको कट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं तो भी आपको सब कुछ सही से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको अगर रिलोड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर लोडिंग दिख रहा है, कुछ देर के लिए डेटा लोड हुआ, फिर हमारा डेटा दिख गया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जाते हैं यूजर्स पे और एक बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, अरे ये वाला यूजर्स नहीं यार, कंपोनेंट वाले यूजर्स, यहाँ पर बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाता है बट बहुत बार नहीं होता, अभी तो मेरा हो रहा है क्योंकि मैंने SSD लगाया था, काफ़ी फास्ट चल रहा है सब कुछ, तो अभी हो रहा है, बट पहले हार्ड डिस्क था तो दिक्कत था, चलो ये था बटन, और यहाँ पर मैं यहाँ पर बटन दे देता हूँ, बटन, और मैं लेता हूँ व्यू प्रोफाइल, तो ये मेटेरियल UI 5 है, नया वर्जन आया मेटेरियल UI का, वेरिएंट में डालता हूँ यहाँ पर कंटेंट, देखते हैं कैसा इस तरह का UI आ रहा है, काफ़ी सही है, ठीक है, तो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने से प्रोफाइल दिख जाना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर लिखते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लिंक कॉम्पोनेंट को फ्रॉम करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, और हम लोग यहाँ पर लिंक कर रहे थे, तो कॉम्पोनेंट को एज ए बॉटम बॉटम के बटन को एज ए कॉम्पोनेंट लिंक यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देते हैं टू, और यहाँ पर हम लोग देते हैं इस तरीके से टू, यहाँ पर देते हैं हम लोग सिंपली जैसे यूजर, यहाँ पर टेम्पलेट डिटेल्स देते हैं, और देते हैं यूजर्स स्लैश यूजर आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर तो सारी यार मैं राउट थोड़ी डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे डायनेमिक आईडी देना हो तो मैं करली ब्रेसेस दूंगा, और जो भी आईडी क्लिक करके आएगा ना हर एक आइटम का, तो मैं आईडी को यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ और आईडी को यहाँ पास कराता हूँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं, अगर आप यहाँ पर जाएंगे और इसको रिलोड करेंगे और अगर किसी पर भी क्लिक करेंगे ना, इस पर क्लिक किया तो देखो /user/1 आ गया, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो 2 आएगा, तो उसका आईडी डायनेमिकली आप यहाँ पर आ गया, बट इसका राउट हमने डिफाइन नहीं किया, ऐप जेएस में जाते हैं और राउट डिफाइन करते हैं, तो इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सिंपली इस राउट को डिफाइन करते हैं, जैसे इसके लिए जैसे /users, तो यहाँ पर लिखते हैं /users/, यहाँ पर कुछ भी देख सकते हो, यूजर आईडी एक तरह से वेरिएबल है, प्लेस होल्डर है, तो जो भी वैल्यू में हिट होगा ना, जैसे ये 1 हो रहा था तो 1 हमें मिलेगा, ठीक है, और कॉम्पोनेंट पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कॉम्पोनेंट पे क्या कॉम्पोनेंट, उस पर जब हिट हो तो क्या कॉम्पोनेंट शो हो, तो उसके लिए कॉम्पोनेंट बना देते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ user.js, ठीक है, इस तरह से कॉम्पोनेंट बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं RFCA, एक बेसिक टेम्पलेट जो है टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, और मैं लिखता हूँ यूज़र, इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर हम लोग सिंपली यूजर्स की जगह पे यूज़र कॉम्पोनेंट को शो करना चाहते हैं, जो कि हमने तक इंपोर्ट नहीं किया उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर दो और बस एस हटा दो, ठीक है, तो यूज़र वाला यहाँ पर ये हमारा इनपुट हो गया, अब जो है यहाँ पर देखो यूजर टेक्स्ट दिख रहा है ना, किसी भी पे जाओगे तो आपको यूजर टेक्स्ट ही दिखेगा, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपल है, बस इस आईडी को एक्सेस करना है और फिर हमें बस उस को कॉल करके उसमें पास करा देना है इस आईडी को, काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, तो अगर आप प्रॉप्स में देखोगे कॉन्सोल लॉग अगर करोगे यहाँ पर इस पर खास करके प्रॉप्स, अरे यार मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, यहाँ पर देखो इस प्रॉप्स में जो है आपको मैच मिलेगा, मैच में URL है पैरम्स करके, जिसमें कि यूज़र आईडी जो जिस पे ये आ रहा है ना वही चीज़ आपके यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो जिस 3 पर अगर हिट हो रहा है तो देखो यूज़र आईडी 3 जो भी अपने वेरिएबल का नेम दिया था ना उसके साथ वो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैच, ठीक है,
और आप अगर आप लिखते हो मैच मैच डॉट टर्म्स टर्म्स, तो आपको सिंपली जो भी यूजर आईडी है वो आ जाएगा, यूजर आईडी 3 मतलब जो भी उसमें है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको यूजर आईडी 1 इस तरीके से आ जाएगा, जो भी यूजर आईडी ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, यूजर आईडी को लेना और हमें ये करना है, जैसे एप जेएस में हमने किया था, सॉरी एप जेएस बोल रहा हूँ, यूजर्स में किया था, यूजर्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर भी उसी तरीके से करते हैं, और ये रिट्रा पता नहीं यार ये गलती से इनपुट हो गया होगा रिट्रा, मैं ये करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इम्पोर्ट करना, तो इसी को कॉपी कर लो ना, इसी को कॉपी कर लो और बस यहाँ पर आपको चेंज कर देना है, क्या पता है यूजर यूज गेट ऑल यूजर्स क्वेरी नहीं, यहाँ पर लिखना आपको यूज गेट यूजर गेट यूजर बाय आईडी क्वेरी को करना है इम्पोर्ट, और यहाँ पर आपको सिंपली उसी तरीके से करना है, एकदम फॉर्मेट मिला लेना साइड से बाय साइड, ये खोल के यूजर्स में पूरा एकदम सेम होगा। देखो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लिख भी सकता था बट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं। तो बस इस हुक को कर देना आपको यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज गेट मतलब यूजर बाय आईडी के थ्रू हम लोग चाहते हैं ना। तो अब हम लोग मैंने बोला था ना कुछ पास कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर पास कराएंगे, तो जैसे मैच मैंने आपको दिखाया था मैच में यूजर आईडी आ रहा था ना, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मैच डॉट यूजर आई डी, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पास कराया, जो हमने पास कराया ना वही चीज़ सर्विस के यहाँ पर यूजर आई डी ऐसे गया और उसी यूजर आई डी के साथ हिट हुआ और जो डेटा रिस्पॉन्स मिला वो हमें डेटा में मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो कॉन्सोल लॉग पे डेटा भी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा सॉरी एक सेकंड, और एक चीज़ पता क्या है कि यहाँ पर जो है ना आपको कंपोनेंट का नेम कैपिटल हमेशा देना होता है, नहीं तो ये फंक्शन समझ लेता। तो यहाँ पर आपको कैपिटल नेम देना होगा कंपोनेंट का नेम। अब यहाँ पर अगर आप किसी पे क्लिक करोगे तो क्या हो गया भाई, अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है भाई रुक जाओ एक सेकेंड, क्या झोल है वो यहाँ समझ लेते हैं। अच्छा फ्रेंड सॉरी यार क्या हो गया, मैच डॉट यूजर आई डी नहीं था, मैच डॉट पैरम्स डॉट यूजर आई डी था, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि मैच डॉट पैरम्स डॉट यूजर आई डी उसमें मेरा यूजर आई डी मिल रहा था, मैंने कौन सा ला करके फिर से देखा, तो जैसे आप देखोगे ये देखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारा यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट वाले का, देखो आई डी इसका फर्स्ट है ना, तो मिल गया ना इसका डेटा, ठीक है। बैक जाते हैं तो फिर से देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेकंड वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट में डेटा अनडिफाइन, एक में डेटा कुछ है ही नहीं ना, फिर वो रिक्वेस्ट दिया और उस तरह से पेंडिंग वेंडिंग सारा कुछ दिखाएगा। अगर आप इसको कॉल करके कौन सा लॉक करोगे ना तो सारा दिख जाएगा, जैसे मैंने पहले इसके वाले दिखाया था आई डी 2 है उसका पूरा डेटा मिल गया। तो इसको यहाँ पर रेंडर कर दो, काफी सिंपल, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब सिंपल ही दिखा देता हूँ, आप अपना कर लेना आगे का। तो जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे डेटा डॉट यूजर डॉट नेम इस तरीके से, ठीक है, आप अपना कर लेना बाकी का। यार ये क्या हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्या? वो अच्छा हमें वो करना पड़ेगा ना, सॉरी इज लोडिंग और वो वाला भी तो करना पड़ेगा पार्ट। तो यहाँ पर जो है क्योंकि आप पहले एक्सेस कर ले रहे हो उस चीज़ को ना, इसीलिए तो यूजर में जाते हैं, यूजर्स ये कंपोनेंट पे और ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं। अब अपना कलाकारी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अब अगर करेंगे तो लोडिंग आएगा, ठीक है, डेटा लोड ले रहा है, क्या मजाक है यार हद। अच्छा नेम करके था या नहीं था उस पर, नेम तो है डेटा डेटा, अच्छा डेटा में सॉरी यार क्या होता है, डेटा में ही पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मैं भी यार क्या हो रहा, ये तो आ गया ना नेम आ गया इसका, ठीक है। तो कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा फिर ये आ गया, अब बैक जाते हो और फिर लोडिंग हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो लोडिंग हुआ और उसका डेटा आ गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, फिर आप बाकी का भी रेंडर कर लो पूरा जो आपको करना है, जैसे डेटा डेटा डॉट फोन है, फोन या फोन नंबर है, फोन, ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अगर आप जाके देखोगे तो ये फोन भी आ रहा है, ठीक है। या इस पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे 9 वाले पे तो उसका नेम और काफ़ी सिंपल है, ठीक है। फिर से रिलोड करोगे तो लोडिंग दिखाएगा और कुछ इस तरह सब एरर भी शो कर सकते हो, काफ़ी सिंपल। तो मैं इस वीडियो को ओवरव्यू बनाना चाहता हूँ, वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ गया लेकिन बट मैं इसका ओवरव्यू देना चाहता था, इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इसका अलग अलग स्टाइलिंग भी, मतलब अलग तरीके, इसको अगर आप थोड़ा चाहो तो कॉम्प्लेक्स तरीके से भी इसको डील कर सकते हो। ये जो रेंडरिंग वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले लोडिंग चेक कर ले रहे हो, फिर एरर देख रहे हो एरर है कि नहीं, फिर उसके बाद जाके फाइनली रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर लोडिंग है भाई तो लोडिंग यहीं पर रिटर्न हो रहा है ना, तो ये दोनों थोड़ी रन होगा, रिटर्न होने का मतलब क्या, रिटर्न जैसे करते हो किसी कंडीशन से आगे का कोड रन नहीं होगा, ब्रेक हो गया कहानी खत्म भाई, मतलब कि आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न लोडिंग, ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे वो स्टेट चेंज हो रहा है ना, अब क्या होता है कि स्टेट जैसे चेंज होता है, और चीज मैं बताता हूँ, रिटर्न हो गया तो वो कंपोनेंट फिर से रीरेंडर कब होगा, जब वो फिर उसका स्टेट चेंज होगा, जैसे कि एरर आ रहा है या फिर आपका देख लो कि वो उसमें डेटा भी अगर आया तो फिर से, ठीक है, तो फिर डेटा जैसे आता है तो फिर से उस समय लोडिंग फॉल्स होता है, एरर फॉल्स होता है, रिटर्न ये हो जाता है, लास्ट में डेटा रीरेंडर हो जाता है। तो इस तरीके कुछ भी प्रोसेस चलता है, तो काफी सिंपली मैंने आपको समझाया कि कैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और ये देख लो तो काफी इजीली आप इस तरीके से बना सकते हो इंडपॉइंट और कर सकते हो। ये पूरा ओवरव्यू वीडियो था, ठीक है, पता है वीडियो का लेंथ बढ़ गया बट
आज की वीडियो में इसके जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स है, काफी जो एडवांस फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा, क्रेड एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा आपको कि रिएक्ट टूलकिट को क्वेरी से कैसा क्रेड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा रिएक्ट टूलकिट के बारे में सारे डिटेल्स में, ठीक है। तो क्योंकि मैं वीडियो जल्दी में इसलिए बना दी क्योंकि मैं एक महीने से वीडियो मैंने बनाया नहीं था, दो महीने से भी ज्यादा हो गया मैंने वीडियो डाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली एक वीडियो बनाता हूँ टॉपिक पे। मैंने इसके 6-7 पेजेस डॉक्यूमेंटेशन पढ़े और मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। जो भी फीचर्स इसके बचे हुए मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि ये सारे फीचर्स आप देख रहे हो, और भी इसकी API पे जो है थोड़ा डिटेल में वीडियो, API में बहुत डिटेल्स में, तो सारा कुछ बताऊंगा जो भी चीजें एक एक फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि रिडेक्स टूलकिट क्वेरी क्या है और इसको कैसे यूज करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।